हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम एजी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक कोई स्ट्रेटजी बताइए जो कि मैं कैसे एयरफोर्स एग्जाम में जो फिजिक्स में स्कोर कर सकूँ। ठीक, तो मैं आज वही जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं वो उन मिस्टेक्स की बात आज करने जा रहा हूँ। अगर आपने इन मिस्टेक्स पे वर्क कर लिया तो एब्सोल्युटली आप 20 प्लस स्कोर कर जाएंगे फिजिक्स में। ठीक, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं आज। ठीक है, पहली जो मिस्टेक है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की वो होती है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और माई डियर, फिजिक्स जो है नथिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। ठीक, तो आपको पहली मिस्टेक ये सुधारनी है कि आपको मैक्सिमम जो टाइम देना है वो कॉन्सेप्ट्स पे देना है। ठीक, आपको अपने कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से बिल्डअप कर लेने हैं। ठीक, डोंट वरी अबाउट द टाइम, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्डअप कर लिए तो फिर चाहे आपका एनडीए का जो फिजिक्स हो, चाहे एयरफोर्स का हो, ठीक है, तो आप उस एग्जाम में फिर बैठेंगे, वो एग्जाम फोड़ ही देंगे। क्योंकि आपका एग्जाम का लेवल जब तक पहुंच नहीं जाएगा आपकी प्रिपरेशन का, तब तक आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उससे पहले आप तो सबसे पहली बात आप समझ गए होंगे वो है कि आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, अब दूसरी बात आती है जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, डूइंग एक्सेसिव प्रैक्टिस विदाउट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं माय डियर, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बिना कॉन्सेप्ट तैयार किए। ठीक, तो ये तो मिस्टेक आपको करनी ही नहीं है। ठीक, सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। ठीक, फिर बहुत ज्यादा फिजिक्स में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। फिजिक्स में अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट सही से तैयार हो गए तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दूसरी बात आप समझ गए होंगे कि आपको पहले कॉन्सेप्ट तैयार कर लेने हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन प्रैक्टिस। ओके, थर्ड जो मेजर मिस्टेक है वो भी है कि मोर फोकस्ड ऑन स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों में एक फोबिया होता है जनरली, वो होता है न्यूमेरिकल फोबिया। अच्छा, आपने एग्जाम का पैटर्न देखा ही होगा, चाहे आप सालों के उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तक के इतिहास में जितने भी एयरफोर्स में क्वेश्चन आए हैं माई डियर, ठीक, तो उनमें आप न्यूमेरिकल्स की थोड़ा जो देखना, आप कितने न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो आप पाएंगे माय डियर, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो 5 आए होंगे आज तक। ठीक, अगर पिछले साल का भी इसी से पहले वाला जो पेपर हमारा एयरफोर्स का हुआ था माय डियर, तो उस एग्जाम में देखते आपका मोस्टली 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आए थे। ठीक, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं उस पे तो नहीं आता तो छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी, ठीक, तो आप बिल्कुल भी उस पे फोकस ही मत करिए, क्योंकि हम बिना न्यूमेरिकल के भी 20 प्लस स्कोर फिजिक्स में कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। ठीक, और मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक, कैसे आप कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल टू स्कोर 20 प्लस इन एयरफोर्स फिजिक्स। ठीक है, चले तीसरी जो चौथी बात हो गई आपकी वो है कि लेस प्रेफरेंस टू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। वही बात, आप न्यूमेरिकल पे कम फोकस करना है आपको। ठीक, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, ठीक, जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है माय डियर, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है आपको तो फिर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए अगली बात है जो फिफ्थ पॉइंट नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है कि हैबिट ऑफ क्वेश्चंस रट्टाफिकेशन। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उन्हें डिफिकल्ट लगता है, ठीक, तो वो रट लेते हैं। भाई ये यार, वो रटा रटाया क्वेश्चन फिजिक्स में कभी नहीं आता है। फिजिक्स में सिर्फ आपको क्या, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, कि क्वेश्चन से मेरा समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ठीक, उस क्वेश्चन से भी क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है रेदर देन रटने की प्रवृत्ति। ठीक, तो रटने से बचना है। ठीक, अगली बात है कि लैक ऑफ रिवीजन, सिक्स पॉइंट नंबर है, तो ये तो डबल स्टार या ट्रिपल स्टार इस पॉइंट पे जितना बना लीजिए वो उतना ही कम है। ठीक, कि सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है,
आपको भी, आप अगर आप रिपीटेड स्टूडेंट है माय डियर, तो आप फील कर रहे होंगे कि आप बार बार क्यों फेल हो रहे हैं। आपने अभी एनालाइज ही नहीं किया ना कि आपकी वहां पर रिवीजन की स्ट्रेटजी थी ही नहीं। तो आपने जो एक बार पढ़ा है वो अगर आप दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे ठीक, तो आप कैसे वो चीज याद कर पाएंगे, कैसे वहां परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, कैसे माइंड में क्लिक करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको बनानी है रिवीजन की, मल्टीपल टाइम कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है। ध्यान रखिएगा ये बात, रिवीजन को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना ठीक। कहते नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। मैं देख रहा हूँ आजकल जनरली ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर, मैं जिसको देख रहा हूँ कि 11,000 क्वेश्चन की सीरीज कोई लेके आ रहा, कोई 8,000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे भाई। अरे यार, इससे क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? 8,000 मान लो तुमने एक बार में कर लिए, अगर तुम्हें जब 8,000 में कोई उसका आउटपुट नहीं मिलना तो फायदा क्या है? आप रिवाइज नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है आप उन क्वेश्चंस को आउटपुट में आप तब्दील ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका पढ़ने और ना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप 100 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन उन 100 क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्या एग्जाम ओरिएंटेड है। हमें जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो सिर्फ ये आपको एनालाइज करना है, हमारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सातवीं जो मिस्टेक है मेजर माय डियर, वो है कि फॉलो मोर देन वन स्टडी मटेरियल ठीक है। ये तो जनरली स्टूडेंट्स का, रिपीटर्स जो स्टूडेंट है उनका ये ट्रेंडी हो जाता। मान लीजिए आप अगर ऑफलाइन क्लासेस भी कहीं कर रहे होंगे ठीक, इस टाइम तो नहीं कर पा रहे हैं ठीक, कहीं कहीं पे स्टार्ट भी हो गए तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले मैंने एक टीचर का मान लीजिए आपने देखा है ठीक, फिर उसके बाद कहीं दूसरे टीचर की फिजिक्स देखने चले या कोई दूसरा मटेरियल है ठीक। तो वो भी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक, ये गलती आपको नहीं करनी। किसी एक टीचर को पकड़ना है ठीक, या किसी एक बुक को। स्टडी मटेरियल का भी मतलब है कि आपको सिर्फ वन मटेरियल एट अ टाइम ठीक, एक मटेरियल को ही आपको पढ़ना है और उसी को मल्टीपल टाइम बार बार रिविजन करना है ठीक। क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन इज द मतलब वेस्ट टूल ठीक, वन ऑफ द वेस्ट टूल फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं पिछला पढ़ा हुआ, तो आप समझिए कहीं ना कहीं आप लैग करने वाले हैं एग्जामिनेशन में। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी ठीक। एट्थ मिस्टेक ये है कि जब भी मान लीजिए आप इसको स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से क्लास ले रहे हैं, तो अपने नोट्स नहीं बनाते। और अपने नोट्स इन द सेंस कैसे बनाने, बहुत ही माइन्यूट शॉर्ट नोट्स ठीक, कि हमें ये रामायण नहीं उसमें लिखनी है। जैसे एक कोई चैप्टर हो गया तो उसका मैक्सिमम एक पेज में आपका शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए ठीक। मैं वो आपको स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा कि कैसे सेल्फ नोट्स बनाए एयरफोर्स के लिए ठीक। तो वो भी मैं आपको आपको जो एक उसका विजुलाइज दे दूंगा, मैं बना के दिखाऊंगा आपको ठीक, वो कैसे आप है तैयार करेंगे ठीक। चलिए, नाइन्थ पॉइंट है जो मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स, इस पे भी ये तो मतलब इसको भी डबल स्टार बनाइए ठीक। ये क्या पॉइंट है माय डियर, कि डज नॉट एनालाइज नेचर ऑफ एग्जाम। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है यार कि एग्जाम में क्या आने वाला है या प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है ठीक। तो किसी भी एग्जाम को एनालाइज करने का तरीका सबसे अच्छा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो थोड़ा जाइए यूट्यूब, तो वैसे भी आप माहिर हैं चलाने में ठीक है ना, तो तभी आप वीडियो भी मेरे देख रहे हैं ना। तो आप यूट्यूब पे जाइए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करिए और वहां पर देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब कितनी डिफिकल्टी लेवल। आप वहां पे जाएंगे तो पाएंगे मतलब कोई डिफिकल्टी लेवल उनका ज्यादा होता ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैक्सिमम 20 से लेके 22 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल हैं। कैसे हैं? कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं माय डियर ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक। न्यूमेरिकल 2 से या 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं ठीक, उससे ज्यादा आ ही नहीं रहे ठीक। तो आपको ये समझना है कि हमें एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कि एग्जाम में कितना पढ़ना है ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा ठीक। तो आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है ठीक, क्योंकि हर एक चैप्टर में माय डियर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि बार बार क्वेश्चन वहीं से बनता है। जैसे मैं टॉपिक की अगर बात करूं, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स देखा हो ठीक,
थर्मोडायनेमिक्स में मैं बता दे रहा हूं, ठीक, थर्मो डायनेमिक्स, ठीक, थर्मो डायनेमिक्स की अगर ऊष्मा गतिकी की बात करूं तो उसमें दो तीन टॉपिक हैं बहुत। एक तो कैलोरीमीट्री, ठीक, कैलोरीमीट्री पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कैलोरीमीट्री, ठीक, ऐसे मैं चैप्टर वाइज भी एक स्ट्रेटजी लाऊंगा, ठीक। कैलोरीमीट्री में क्यू इज इक्वल टू जो एमसी डेल्टा टी, इस पे जो कॉन्सेप्ट्स पे जितने क्वेश्चन बनते हैं जरूर पूछा जाता है। या फिर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, वो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ माय डियर, ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछा जाता है, थर्मोमेट्री से, ठीक, थर्मोमेट्री, ठीक, इसमें थर्मल एक्सपेंशन वगैरह, प्रसार, ऊष्मीय प्रसार वगैरह आ जाता है यहाँ से। तो ये आप ये टॉपिक पढ़िए ना, पूरे पूरा तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आप एनालाइज करिए, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे। आज सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाइएगा ये यूट्यूब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करिएगा, ठीक, और अभी मैं आपको बताऊंगा, वो सर्च करने की भी जरूरत नहीं, मैं सारा मटेरियल मैं तैयार कर लिया हूँ आपके लिए, ठीक। बेसिकली मेरे पास अभी तक टाइम नहीं था, मैं इसलिए वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, अभी भी बेसिकली टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचा क्यों ना ये आपको, मतलब इतना डिफिकल्टी हो रही, मेरे पास मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो मैं क्यों ना आप लोगों के लिए एक घंटा पर डे निकाल ही लूं, ठीक, जिससे कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाए, ठीक। टेंथ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको लैक ऑफ स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग बनानी है, स्ट्रेटजी कि मेरे को कब क्या पढ़ना है, कितने दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक, कितनी बार मुझे रिवीजन करना है, ठीक, और कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, बात समझिए ना, कितनी बार मुझे रिवाइज करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, ठीक, कौन सी बुक का सिलेक्शन करना है, मतलब स्ट्रेटजी। आज सबसे पहले जाइएगा, सबसे पहले स्ट्रेटजी अपनी बनाइएगा, ठीक, स्ट्रेटजी आपको बनानी ही बनानी है, क्योंकि हम मान लीजिए कोई भी, अगर हम सपोज करिए हमारे जो युद्ध लड़े जाते हैं या कोई भी चीज, तो उनकी सबसे पहले क्या रणनीति बनाई जाती है ना, कि क्या स्ट्रेटजी हम कैसे किसी एग्जाम को टैकल करें। तो ऑलरेडी हम भी एक बैरियर्स हैं यार, डिफेंस में जा रहे तो बैरियर्स योद्धा है, हमें भी लड़ना है, तो हमें अभी किससे लड़ना है, हमारे कंपटीशन से। तो सबसे पहले कंपटीशन की जो स्ट्रेटजी है वो प्लान कर लेना, जैसे आपका 30 डेज बचा है तो कितने घंटे मेरे फिजिक्स को देना है, ठीक, कितने दिन घंटा मेरा मैथ को देना है, कितने घंटे मेरे इंग्लिश को देना है, ठीक, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, किसमें, फिजिक्स में स्पेशली, ठीक, और किस टाइप की करना है। तो ये स्ट्रेटजी आप पर डे बनाएंगे, ठीक, एक तो मंथली डिवाइड कर लेना, फिर पर डे का आप शेड्यूल बना लेना कि मुझे कब कितना पढ़ना है, जिससे कि मेरा टाइमली रिवाइज भी हो जाए और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, ठीक। और ध्यान रखना कि कोई स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती है, स्मार्ट वर्क होता है बट वो आफ्टर द हार्ड वर्क ही आएगा, और वो आपकी हार्ड वर्क से निकल के आएगा, ना कि मेरे हार्ड वर्क से, ठीक। मैं तो हार्ड वर्क कर लूंगा, लेकिन एग्जाम अल्टीमेटली भाई साहब आपको देना है, ठीक, तो एग्जाम को तो आपको ही देना है, तो फिर हार्ड वर्क भी आपको ही करना है। तो ये जो 20 मतलब आपका अभी अल्टीमेटली मुझे लगता है 30 to 35 days अभी आपके पास बचे हुए हैं, 30 to 35 days। और भाई साहब ना एयरफोर्स के लिए ये, मतलब मैं बताऊं कि 30 days भी सफिशियंट है, ठीक। अगर अभी आपने अगर पर डे आप 10 to 12 hours स्टडी को दे रहे हैं, ठीक, तो फिर आपको, और अब सेल्फ स्टडी पे आ जाना भाई साहब, ठीक, सेल्फ स्टडी 10 to 12 hours देना ही है, और आप एक्सटर्नल अगर स्टडी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो 3 घंटे से ज्यादा मत रखना, ठीक। बाहर सेल्फ स्टडी अब 10 से 12 घंटा आप खुद की कर देना, तो आपको कोई भी मतलब रोक नहीं सकता एयरफोर्स में सेलेक्ट होने से, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने आपके लिए अच्छा एक क्या स्ट्रेटजी बनाई है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आज उसका हिंट दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, जैसे कि आप क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मैंने उसके लिए एक तरीका मैंने ढूंढ लिया है, ठीक। मैंने क्या किया है, स्टडी मटेरियल मेरे पास बहुत पहले से प्रिपेयर्ड है, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक, और ये मैंने अपनी खुद की बुक लिखी है माय डियर, ठीक है। तो इसमें ये किसी भी बुक के, मतलब एक बुक का जो है, बुक का मटेरियल नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका एक तो जो रटने वाली प्रवृत्ति है वो भी छूट जाएगी माय डियर, ठीक, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक। मेरी पूरी बुक में मैक्सिमम 500 क्वेश्चन भी नहीं निकलेंगे। मैंने क्या किया, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे
तीन हमारे चैप्टर्स हो गए, यूनिट्स हो गया, डायमेंशंस हो गया एंड एरर्स। ठीक, तो इसके मैंने 25 ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, बट ये सर जो 25 क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर जो मैं इसका जब सॉल्यूशन कराऊंगा माय डियर, तो आपको पूरी फिजिक्स इन्हीं सिर्फ 25 क्वेश्चन से तैयार हो जाएगी। यहां से समझिए, आपसे इसी चैप्टर से अकेले मैं आपको 10 से 15 मार्क्स का यहीं पर प्रिपेयर करा दूंगा कि बताऊंगा देखिए जैसे ये क्वेश्चन है तो इससे क्या क्या बन सकता है। और आप मेरी मतलब प्रीवियस ईयर से लेके और आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम है, इनसे 25 क्वेश्चन से बाहर यार यहाँ पे पूछा ही नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जा रहे हैं, इन्हीं को बस तरीका है इधर का उधर कर देंगे तो ठीक वही पूछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो जैसे ये 1/√μ0ε0, ठीक, बहुत बार ये मतलब उनका फेवरेट है। जैसे डायमेंशन EYV, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। और ये मेरा मतलब नोट्स आज का नहीं बना है, ये मेरा कम से कम 2-3 साल पहले का नोट्स बना है। ठीक, जब मैं 2-3 साल पहले भी पढ़ाता था, अभी बेसिकली मैंने छोड़ दिया है। ठीक, तो मतलब अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 1 साल हो गया है, तो ये मैंने तब का प्रिपेयर किया है। ठीक, तो वहां पे ये बुक जो मैंने प्रिपेयर की, यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर चाहे एयरफोर्स का हो चाहे NDA का हो, इन्हीं टॉपिक्स जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं, ठीक, उन्हीं से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। और जो मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक, तो पूरी फिजिक्स मैं चैप्टर वाइज आपको तैयार करा दूंगा और विद मिनिमम क्वेश्चंस। आपको सिर्फ 500 क्वेश्चन ही करने हैं मेरी सीरीज में। आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, चाहे अनकेडमी से आप प्लस वाला, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिए हो, चाहे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लिए हो, या फिर एग्जाम पूर वगैरह, या कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, जो आपको ठीक है अच्छे से 11,000 क्वेश्चन करा रहे होंगे, ठीक, तो वहां से आप पढ़ लेना। उसके बाद माय डियर जो मैं आपको सिर्फ 500 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, फिर उनसे कंपेयर कर लेना। ठीक, कंपेरिजन तो मतलब कोई बनता नहीं है, कंपेरिजन मत भी करना, लेकिन एग्जाम देके आना। उसके बाद ये सर्च करना कि इनमें कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया अपने कंटेंट पे ना बेटा। ठीक, तो ये देखिए जैसे ये आप, मैं पहला ये पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन है। ठीक, लग रहा है सिर्फ 25 क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन मैं एक ही सिमिलरिटी से तैयार करवा दूंगा। तो यार पढ़ाना एक चीज अलग होता है, लेकिन आपका प्रिपेयर कराना और आपको याद कराना चीजें समझाना, ये एक अलग भी होता है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे जैसे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं बहुत सारे। ठीक, आप देखिए मतलब एक क्वेश्चन है उसमें प्लैंक कांस्टेंट, इसमें क्या क्या क्वेश्चन वैरायटी क्या बन सकता है। अगर आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन फिर तो सॉल्व करना तो आपकी बाएं हाथ की कला है। ठीक, बनाना ही सीख लेंगे तो फिर बनाना मतलब फिर तो सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात। ठीक, तो ये देखिए डायमेंशन यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट, यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए जैसे ठीक, इसके ये हमारा भी डायमेंशन वाला ही चल रहा है। मैं ये पूरा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हर पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले इसी में रिवाइज करा दूंगा माय डियर। ठीक है ना, जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैं इसी 25 क्वेश्चन में करवा दूंगा। ये बेसिक रहेगा मेरी सीरीज का। ठीक, मैं आपसे 20 डेज मांग रहा हूँ। ठीक, 20 दिन मेरे को दे देना और हर एक घंटा देना मेरे को 1 डे। ठीक, मैं इसका कोई फीस नहीं वसूल रहा हूँ। ठीक, ना ही मैं वसूलूंगा कभी भी। ठीक, और जरूरी नहीं आपका मन करे तो आ जाना माय डियर। ठीक, आपका भला हो जाएगा, इसमें मेरी कोई भले वाली बात नहीं है। ठीक, मेरा ये पैशन है। ठीक, तो मैं अपना वो तो कंटिन्यू करूंगा। ठीक, चलिए जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आप लेवल देखिएगा, अच्छा अच्छे अच्छे, ये इतना अच्छा लेवल है, इतना ये लेवल कर लिया ना आपने तो फिर कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं आपका। आप मतलब आप पढ़ने उनसे फर्क हमारा देखिएगा। ठीक, एक बार हम जब पढ़ा दें क्वेश्चन का लेवल देखिए आप। ठीक, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और बहुत ही अच्छे भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, एक और मैं ओवरव्यू जैसे दे रहा हूँ, जैसे ये मेरा है। ठीक, जैसे इसमें आपका हो गया माई डियर सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। ठीक, तो ये फिर जैसे ये पूरा चैप्टर खत्म, 25 क्वेश्चन है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन औकात ही नहीं है एग्जामिनेशन की, यहाँ से बाहर आ जाए जब मैं पढ़ा दूंगा। ये ध्यान रखना, जब मैं पढ़ा दूंगा तो ठीक है ना। तो ये फिर आप देखिए, देख सकते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही, आप जो बहुत ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है। ठीक, कंटेंट इससे सुपर्ब कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात, और किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है माय डियर। मैंने ये बहुत ही
बहुत ही मेहनत, 3 साल की मेहनत है मेरी, ठीक है ना। तो वो मैंने सारा ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, मेरी बुक एकदम अलग है माय डियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने, ठीक है, तो मैं 2 बुकें ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अब वेट कर रहा हूँ अपना, ठीक है, टाइम आने दीजिए तो फिर पब्लिश भी कराऊंगा आपको, ठीक, और मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। ये ट्रांजिस्टर जैसे ये वगैरह वगैरह, आप देखिए क्वेश्चन इससे बाहर आना ही नहीं, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक, तो आप देख पा रहे हो, ठीक। एक क्वेश्चन है बट वहां से बहुत सारे मल्टीपल, जैसे आप भी देख रहे हैं, जैसे अल्फा बीटा में संबंध है, ठीक। तो यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी तरह से ऑप्शन रखे हुए मिलेंगे माय डियर, ठीक। तो आई होप अब आप इतना सफिशियंट हो गया है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक। और मैं जो ये अपनी सीरीज है, मेरे को जैसे ही भी टाइम मिलेगा वैसे ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो परेशान होइए, लेकिन इस एग्जामिनेशन से पहले ही मैं सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हैं माय डियर, तो आपके लिए मतलब सोने पे सुहागा होने वाली है ये सीरीज, और बिलीव मी आप 20+ नहीं 25 स्कोर करेंगे अगर 500 ये क्वेश्चंस, मैं तो ज्यादा बता दिया, 500 होंगे भी नहीं एक्चुअली यार, ठीक है ना। तो 500 अगर क्वेश्चंस आपने इतने कर लिए हैं, ठीक, और सिर्फ वो भी 20 घंटों में कर लेंगे आप, ठीक, और इन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर देके आइएगा, फिर मेरे को बताइएगा। ये तो मैंने आज मिस्टेक्स की बात कर ली, नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक वाइज बात करूंगा, कौन से क्या तैयार करना है, ठीक, कैसे कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, वो सारी चीजें मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। तो आपको इन मिस्टेक्स को माय डियर अवॉइड करना है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ओके। तो चलिए अलविदा लेता हूं, जय हिंद जय भारत, पढ़ाई में अपना डेकोरम बनाए रखें, ठीक, एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखना, जय हिंद जय भारत।